कोरोना काल से शहरवासियों को बिजली के बिल बढ़कर आए हैं। नितिन राउत ने बिल और यूनिट माफ करने की जो घोषणा की थी उससे साफ मुकर गए। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारे देकर उनका निषेध किया। कोरोना महामारी ने सभी क्षेत्र को तहस नहस कर दिया है। कोरोना कार्यकाल में कई लोग बेरोजगार हुए तो कई व्यापारी का कारोबार मंद चल रहा है, जिससे शहर के नागरिकों की जेबें खाली हुई है। जो कुछ पूंजी बचा के रखी थी वो भी कोरोना काल में खर्च हुई है। ऐसे में बिजली के बिल बड़े पैमाने पर लोगों को आ रहे हैं। हर महीने 500 रुपए बिजली बिल का आने वाला आंकड़ा बढ़कर 3000 रुपए से लेकर 5000 तक आया है। ज्यादा यूनिट आने पर ग्राहकों को कम कर दिया जाएगा और बिजली बिल भी कम कर दिया जाएगा, ऐसी बात राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने एक मुलाकात के दौरान कही थी। लेकिन मंत्री महोदय अपनी बातों से मुकर गए हैं। मंत्री जी ने यू टर्न ले लिया है। अब तो वो शहर के नागरिकों को बिजली का पूरा बिल भरने के लिए कह रहे हैं। इससे शहर के नागरिकों में काफी रोष बढ़ रहा है। इतना ही नहीं तो शहर के कई पार्टियों ने भी इसका विरोध किया है। इसी श्रृंखला में शहर के आम आदमी पार्टी विद्यार्थी ब्रिगेड ने ऊर्जा मंत्री द्वारा किए गए यू टर्न का जोरदार विरोध किया और अपनी बात NBCN के समक्ष रखी। कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार से बिजली के बिल जो बढ़ के आए हुए थे उसके लिए कई आंदोलन छेड़े गए थे, लेकिन इस बात को लेकर राज्य के ऊर्जा मंत्री और जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने कई नागरिकों ने ज्ञापन दिया था कि बिजली के बिल कम किया जाए या बिल नहीं भरने की उन्होंने बात भी कही थी। ऐसे में कुछ वक्त समय तक के मंत्री महोदय इन्होंने हामी भी भरी थी कि ठीक है, हम पूरे बिलिंग का चेकअप करवाएंगे और कम से कम बिल कैसे आए इसके लिए कामकाज करेंगे। मगर अफसोस कि आज फिर से एक बार जिले के पालक मंत्री नितिन राउत, ऊर्जा मंत्री राज्य के, इन्होंने यू टर्न ले लिया और फिर से एक बार शहर के नागरिकों को ये बात कह दी कि अब तो बिजली का बिल आपको भरना ही होगा। इस बात को लेकर फिर से एक बार शहर में अलग अलग पार्टी की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज नागपुर के आम आदमी पार्टी की इकाई हमारे साथ में आई है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका अपना क्या कहना है। आप ये बताइए कि जिस तरह से ये आंदोलन जो आप कर रहे हो, क्यों ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है, माँ भकास आघाड़ी ने सबसे पहले कहा था कि हम 100 यूनिट बिल माफ देंगे। अरे 100 यूनिट बिल माफ करने के पहले आप 100 रुपए तो हमारे लाइट बिल में माफ करो। आज कोरोना काल में 7 महीने से हमारा गरीबों का ना अन्न है ना वस्त्र है, उनके पास कामकाज नहीं है, वो कहाँ से 12-12, 13-13 हजार आप लोगों ने बिल दिए है वो कहाँ से भरेंगे? और कल आप पत्रकार परिषद लेके बोलते हो कि नहीं आपको इंस्टॉलमेंट में आपको ये लाइट बिल भरना पड़ेगा। हमारी भीख नहीं मांग रहे आपसे राउत सर, हम लोग हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग एक चवन्नी की कुछ सामान भी लेते हैं तो हम उस पर टैक्स देते हैं। हमारा लाइट बिल हम नहीं भरेंगे। हम लोग लाइट बिल इलेक्ट्रिक बिल भरने के जो आपने कहा है हमको भरना है, हम इस पर निषेध जाहिर करते हैं और सभी को कहेंगे कि हम कोई भी लाइट बिल नहीं भरेंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। वचन दिलं तो पाळतो म्हणणारी शिवसेना आली, वचननामा दिला होता की आम्ही सत्तेत आलो तर इलेक्ट्रिक बिल माफ करू। या वचननाम्यानंतर मग लॉकडाऊन लागलं, लॉकडाऊनच्या 31 तारखेला यांनी एक नवीन गिफ्ट दिलं, ते गिफ्ट कोणतं होतं, सरप्लस चार्जेस वाढून दिले। त्यानंतर अजून मग सांगितलं की आता आम्ही यामध्ये डिस्काउंट देऊ बिलामध्ये डिस्काउंट दिल्यानंतर दिवाळीच्या पहिले त्यांनी सांगितलं की आम्ही वीज बिल माफ करणार आहे, 100 युनिट तरी माफ करणार आहे। हा एक फटाका दिला होता आणि तो फटाका जसं दिवाळी झाली त्यानंतर फुटला आणि तो फटाका फूस झाला। तर असे फटाके आम्हाला महाराष्ट्रात नको आहेत। जे बोलले ते करून दाखवा, 100 युनिट तुम्ही माफ करायला सांगितलं होते तर 100 रुपये पण माफ नाही केलाय। आम्ही प्रत्येक गोष्ट जी पण आज घेतो त्या सगळ्या गोष्टीवर टॅक्स देतो। इथे नागपुरात कोराडी पॉवर स्टेशन आहे आणि तिचं सरप्लस तिथून जी वीज वाहते त्याला 1.45 रुपये प्रति युनिट प्रमाणे तुम्ही चार्जेस लावताय। 12 किलोमीटरचे फक्त का 1 पॉइंट प्रति युनिट प्रमाणे लावणार का? तर 100 युनिट जे माफ केलंय ते वचनामा पाळा आणि नाही तर तुमची गद्दी सोडा। स्टार्टिंगला जे यांनी प्रॉमिस केलं होतं की 100 युनिटपर्यंत तरी यांनी जे आश्वासन दिलं होतं की आम्ही वीज बिल आम्ही कमी माफ करणार 100 युनिटपर्यंत आणि आता जे आहे ते आपल्या प्रॉमिसवरनं हे मुखरत आहे आणि त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। तो आप थे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने बखबीर बेवा के साथ बात करते हुए ये बताया कि राज्य के ऊर्जा मंत्री ने जिस तरह से ये जो कामकाज किया है और जो बढ़ते बिल है वो तो कम करने की बात कही थी, यूनिट भी कम करने की बात कही थी, मगर ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, जिसके चलते फिर से एक बार दीपावली में इस प्रकार की रोशनी हो रही है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस ओर ऊर्जा मंत्री ध्यान दे यही समय की मांग है। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ
साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।